सेवा नियम जारी करो, सेवा नियम जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगे, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगे, हमारी मांगे बोलो नारे लगाओ। हम लोग 2015 से परेशान हैं, आज 2024 हो गया। सरकारें पहले कांग्रेस की थी, अभी बीजेपी की आ गई। निरंतर रूप से हम प्रयास कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। सरकार से हमारा ये निवेदन है, जब आपको इनकी वैकेंसी निकालनी नहीं थी, आपने RPMC का गठन किया 2015 में, आज 2024 हो गई, 9 साल से बच्चे बेरोजगार हैं। आप कॉलेज बढ़ा रहे हो, कॉलेजों की फीस बढ़ा रहे हो, बच्चे मेडिकल हेल्थ में होते हुए भी बेरोजगार हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपको रोजगार नहीं देना है, आपने मेडिकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए एक तरफ तो RPMC का गठन किया, 12 डिप्लोमा चलाए, आप 4 के ही सेवा नियम बनाकर उनको वैकेंसी निकालते हो। मैं पूछना चाहता हूं, 8 के साथ ऐसा दोबला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और मेरी सरकार से अपील है, बार बार हम कमिश्नर साहब से जयपुर में परमिशन के लिए जा रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दी जा रही। मैं पूछना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या क्यों की जा रही है, हमारी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ निश्चित रूप से कि आपने अभी जारी किया बजट में कि आप 10 इमरजेंसी ट्रॉमा खोलोगे, आपके पास ट्रॉमा टेक्नीशियन ही नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप किस तरीके से ट्रॉमा टेक्नीशियन चलाओगे, ट्रॉमा केयर सेंटर, ब्लड बैंकों में ब्लड बैंक टेक्नीशियन नहीं होने के कारण गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, आए दिन लोगों की हत्या हो रही है, डायलिसिस मशीनें इतनी महंगी, जनता के गाढ़े कमाई से कमाए हुए पैसे से सरकार ने मशीनें खरीद तो ली हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, वो मशीनें पेटी पैक पड़ी हैं, उनको चलाएगा कौन? डायलिसिस टेक्नीशियन आपने घर पे बैठा रखे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप इस तरीके से दोगला व्यवहार क्यों कर रहे हो? एक तरफ OT टेक्नीशियन है, आपने कोर्स चला दिया, OT टेक्नीशियनों के अभाव है। बड़े दुखंत की दुखी का विषय है कि आज हम सबको बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई सुन नहीं रहा है, OT में अयोग्य लोग काम कर रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में लोगों की हत्या हो जाती है, इस तरीके से जनमानस परेशान है। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से सरकार से कि इनका जिम्मेदार कौन है, और इन लोगों को बेरोजगार बना रहे हो आप मेडिकल हेल्थ में होते हुए, इनको आक्रोशित होकर कोई गलत कदम उठाएगा, युवा गलत तरह डायरेक्शन में जाएंगे, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप सभी जल्द से जल्द इसकी कैडर सेवा नियम जारी करके विज्ञप्ति निकालें, और ताकि जो बेरोजगार घूम रहे हैं ये अच्छी तरीके से सरकार के साथ मिलकर लोगों की सेवा कर सकें, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा लाभ मिल सके। इसके लिए मेरी यही अपील रहेगी सरकार से, जल्द सेवा नियम बनाए, अगर नहीं बनाया तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन, परमिशन देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो बिना परमिशन के हम जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, और तभी भी बात नहीं मानी तो हम निश्चित रूप से विधानसभा का घेराव करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये किसी कोई भीख नहीं है, ये हमारे हकों की मांग है, और ये हमारे हक हैं, इनको हम लेके रहेंगे। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आपका परिचय? हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आपका परिचय सर? मैं देवेंद्र सिंह, राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम राजस्थान के हर जिले में जाकर कलेक्टर साहब के नाम, मुख्यमंत्री साहब के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, और बार बार हमारी यही अपील रहेगी मुख्यमंत्री जी से कि हमारी बात को सुना जाए, नहीं सुना जाएगा। सबसे लगातार मिल रहे हो, बिल्कुल अब आप कितना समय का अल्टीमेटम दे रहे हो सरकार को या किसी को भी? हम सरकार को क्या करना चाहोगे? 30 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर या तो सरकार हमारे सेवा नियम जारी करके हमारी विज्ञप्ति जारी करे, अगर परमानेंट नहीं करते तो कुछ समय के लिए UTP पे लगाएं ताकि इनको डिजिग्नेशन तो मिले। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मेडिकल हेल्थ में डिप्लोमा करने के बाद गाड़ी फीस भरने के, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हम जयपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारी हक की लड़ाई है, निश्चित रूप से हम इसको लेकर रहेंगे। अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।